ये भी बता दें दर्शकों को, गर्भवती महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। इनके साथ ही आपको बताया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादातर महिलाओं के अंदर लक्षण नहीं होंगे या उन्हें हल्की बीमारी होगी, लेकिन इसका असर उनके स्वास्थ्य और भ्रूण पर पड़ सकता है। इस वजह से सरकार ने उन्हें वैक्सीन लेने की सलाह भी दी है। यानी अब वैक्सीन सभी के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है। हमारे सभी आयुष्मान हमारे साथ जुड़े। आयुष्मान, खासतौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए। यह बिल्कुल सरकार की तरफ से जो आधिकारिक एक गाइडलाइन की बात कही जा रही थी वो गाइडलाइन जरूर आ गई है, और उसमें ये बात साफ कही गई है कि महिलाएं जो हैं वो उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कोविन पोर्टल पर रजिस्टर कर तो वैक्सीन लिया जाना चाहिए। लेकिन अहम यहाँ पर यह होगा देखना श्वेता की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको कहीं ना कहीं अभी भी फुल लाइसेंसर नहीं मिला है। यानी कि वो वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन में दी जा सकती है या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कोवैक्सीन को लेकर। तो सरकार का रुख क्या होगा इसकी प्रतिक्रिया अभी भी बाकी है, लेकिन कोविशील्ड को लेकर ये बात क्लियर है कि सरकार महिलाएं अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर चाहती हैं तो उसे ले सकती हैं, ऐसा एंटागी का कहना है। और कहीं ना कहीं सरकार के आधिकारिक गाइडलाइंस में भी ये बात सामने आ चुकी है। जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।